हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॅजिक ऑफ कुकिंग. माझं नाव रुपा दीक्षित. रुपाच्या किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. काय दाखवणार आज स्पेशल? मला वांग्याचं भरीत, ते सुद्धा दही घातलेलं. वांग्याचं भरीत सगळ्यांना माहिती आहे, दही घातलेलं. दही घालतात भरीत मध्ये? हो. अरे वा, पण ते गरम असत. नाही, थंड करून घालायचं. अरे वा, हे काहीतरी वेगळं आहे. समथिंग डिफरंट फ्रेंड्स, लेट्स ट्राय दिस. कम ऑन, लेट्स ट्राय. इसके लिए दो बैंगन ऐसे पर्पल कलर के, राई, ये मेथी की मिर्ची रहती है सुखाई हुई, इसमें मेथी मिर्ची, हाँ, इसमें मेथी, हींग और नमक डाल के उसको भर के सुखाते हैं. सुखा के उसको स्टोर करते हैं. ओके. ऐसे मान ली मिर्ची, और इसका ही स्वाद इसको मेन आता है. ओके. फिर ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पत्ता कांदा, कच्चा कांदा कट करके रखा है, दही, मूंगफली, कड़ी पत्ता, हींग और लाल मिर्ची पाउडर. फ्लाई करने के लिए थोड़ा तेल और फोड़ने के लिए तेल चाहिए. अभी हम बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं. भरते के लिए ऐसे वाले बैंगन लेना है, उसका ऊपर का पार्ट निकाल देना है, डंडी उसके वैसे ही रख देनी है, फोक से प्रिक करना है ताकि वो अच्छे से अंदर से पकेगा. अच्छा, इसको गैस पे रोस्ट करेंगे ना? गैस पे रोस्ट करना है. नॉर्मल जो हम बर्थे के लिए बनाते वैसे वैसे ही? वैसे ही. ओ, अच्छा. बाद में इसको थोड़ा सा तेल ब्रश करना है. सो गैस पे रोस्ट करने के लिए रखना है. रोस्ट होने के बाद ये ऐसे दिखेगा. ओ, आपने पहले ही करके रखा है. अच्छा, इतना काला करना है इसको? हाँ, पूरी तरह अंदर से रोस्ट होना जाना चाहिए, तभी उसका अच्छे से पल्प निकलेगा. अभी इसको थोड़ा नॉर्मल पानी डालना है ताकि वो जल्दी छिलका छोड़ निकले. थोड़ा सा इसको भीगने देना है, इसका छिलका निकाल के उसका पल्प निकालना है और उसको स्मैश करना है. अभी इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, कच्चा कांदा और दही. दही इसको ज्यादा चाहिए. बैंगन इतना टेस्टी, जिसको बैंगन पसंद नहीं है वो इसमें बैंगन है करके उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा. हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया. जिसको बैंगन नहीं पसंद उनको खिलाओ स्पेशली. बर्थडे के लिए हम फोड़नी देने जा रहे हैं. तेल गरम हो चुका है, अभी हम राई डालेंगे. हम इसमें हींग डालेंगे, उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद मूंगफली, मूंगफली थोड़ी डालनी है. करारा होना चाहिए. मिर्ची डालना है, मिर्ची को भी फ्राई करना है. ये जल्दी फ्राई हो जाती है तो थोड़ा गैस के ऊपर से हटा दो. ये फोड़नी इसके ऊपर डालनी है. मिर्ची इसमें भीगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी. पत्ता कांदा काट के रखा है हमने, खाने के टाइम पे उसको मिक्स करके खाना है. So tempting. Wow, this is mast ekdam. Try kijiye Asha ji. It's yummy. Mirchi ke bagair bhi. It is so yummy. You should try this. Thanda अच्छा लग रहा है दही के साथ. ये ट्राई दिस कॉम्बिनेशन. हम लोग हमेशा वो बैंगन का भरता खाते हैं, ये दही वाला खा के देखो. इट्स मस्त. इसको चाहिए तो आप तीखा बना सकते हैं. ये इतना तीखा नहीं है अभी, लेकिन यू कैन हैव दिस मिर्ची ऑल्सो.
एक बाइट लो।